लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आई एम पीसी माथुर फ्रॉम कलकत्ता। थैंक यू। आओ बेटा। डैडी, रूम में जाते ही खाने का ऑर्डर दे देंगे। बहुत भूख लगी है। जरूर बेटी, दे देंगे ऑर्डर। क्या हुआ डैडी? लाइट चली गई। ठहरो, अंधेरा दूर करने के लिए मैं रोशनी लाता हूं। मेरी आंखों के सामने तो हर वक्त अंधेरा ही रहता है। बेटी, मैं जरा रिसेप्शन में देखता हूं ये लाइट क्यों गई। जी। हेलो रिसेप्शन, ये लाइट क्यों गई है? अभी आ जाएगी सर। ओके। कौन है भाई? कौन हो तुम? ये क्या कर रहे हो? यहाँ क्यों आए हो? कौन है बताइए ना। कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन है? बचाओ, कौन हो तुम? डैडी, बचाओ, बचाओ डैडी। ये आप क्या कह रहे हैं राणा साहब? नाम के धोखे से एक बेकसूर आदमी मारा गया। जिस माथुर की हमें जरूरत है उसका फ्लाइट 3 घंटे लेट आ रहा है। ये इतला हमें टेलीफोन से अभी अभी मिली। ओ गॉड, ये कैसा अलर्ट हो गया? खाली पीसी माथुर नाम की वजह से राणा के आदमियों ने एक बेगुनाह आदमी को मार दिया, और अगर आज उसकी जगह खुद पीसी माथुर होते तो वो भी मार दिए गए होते। और अगर माथुर साहब को कुछ हो जाता तो हमारा सारा बिजनेस चौपट हो जाता। तुम लोग शायद ये नहीं जानते कि माथुर साहब हमारे कौन है। वो हमारे सब कुछ है, इज लाइक अ गॉडफादर टू अस। याद रखो, अगर बंबई में माथुर साहब का बाल भी बांका हुआ तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। क्या करें डीके साहब, राणा के चारों तरफ उसके आदमियों ने किला बना रखा है। तो उसके लिए की दीवारों को गिराना शुरू कर दो, एक एक को खत्म कर दो और राणा को अकेला कर दो। और हमारा सबसे पहला शिकार होना चाहिए ज्योति। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो मेरे साथ चलो। डैडी,
तू इतनी घबराए हुए? कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए। गुंडे? हाँ। चल अंदर जाकर छुप जा जल्दी। कहाँ छुपा उस छप्पन छुरी को? मुझे नहीं मालूम। क्यों उसकी जिंदगी बचाने के लिए खुद मरना चाहती हो? खबरदार कमीने जो तूने उसे हाथ लगाया। चल हाथ। मैं बाहर आ रही हूँ। दरवाजा खोलो यार। तो राधा बिटिया क्या आवाज लग रही है? अरे हरिया, अरे ओ रामू, अरे ओ सोनू, चलो इस लौंडिया से बाद में निपट लेंगे। भागो। कैसी है आखिर बात क्या है? की तकदीर में सुहागन बनना नहीं लिखा होता और फिर भगवान की मर्जी के आगे इंसान क्या कर सकता है? हाँ चलो चलो जय। जिसने हमारा सहारा छीन लिया, मैं तो भगवान से दुआ मांगती हूँ, भगवान उसे भी बेसहारा बना दे। नहीं बेटे, नहीं, ऐसा नहीं बोलते। न जाने क्या मजबूरी होगी उस गरीब आदमी की, जिसकी वजह से उसने अपने हाथ एक बेगुनाह के खून में रंगे हो। मैं दुआ करती हूँ कि भगवान उसे ऐसी बुद्धि दे कि वो किसी का सहारा बने, किसी को बेसहारा न करे। जब तक तुम्हारे हाथों से पहला निवाला ना खा लूं, खाना हलक से नीचे कैसे उतरेगा? तू रोने क्यों लगी? सच बता रहा था, ये खुशी के आंसू है या गम के? माँ और बाबूजी का प्यार, बड़े भाई का दुलार, जब तुम्हारी आंखों से बरसता है तो ये आंखें खुद ब खुद बहने लगती हैं। देख रहा था, अगर तू मुझे इसी तरह से कमजोर बना देगी ना तो मैं तुझे विदा कैसे करूंगा? हा? विदा तो कर है मेरी बहन,
तेरी डोली शमशान ले गया था ना, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सका, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सका।